है कि तहसील कहारा में पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार ने सेवाही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत चार पंचायतों जिया, रनोट, जोड़ा व जोड़ा खुरद में 1200 लोगों को राशन वितरित किया। इस मौके पर वहां की आम जनता ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार का शुक्रिया किया और कहा कि वे हर बुरे समय में उनका साथ देते हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी सेवा के काम में मौजूद रहे। हमारी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इनके अलावा इधर कोई नहीं आया आज तक, किसी की कोई मदद नहीं की। MLA साहब आज आए हैं, इन्होंने राशन बांटी। सिंह परिहार जी जो यहाँ पधारे हुए हैं और अपने हाथों से जिया की पंचायत में राशन बांट रहे हैं, इस महामारी में हमारा साथ दे रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं। उन्होंने पिछले साल हमारे पूरे भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी में कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पे राशन नहीं दी है, तो आज ये दोबारा इस साल फिर ये जो है वो राशन जो है वो हर जगह दे रहे हैं और सैनिटाइजर मास्क वगैरह वो जो बांट रहे हैं। हम दिलीप जी परिहार का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो यहाँ हमारे पास आए, इतने लोगों ने राशन बांटी। सेवाही संगठन जिला इंचार्ज संजय सराफ, हमारे जो पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये हर पंचायत छोटे छोटे मोड़ों में जाकर जहाँ पर भी गरीब लोग हैं उन तक जो है राशन किट्स पहुँचा रहे हैं और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। और मैं आज मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आने वाले दिवाली तक का जो फ्री राशन जो है अब गरीबों तक जो अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो पहले ही 2 महीनों का था अब इसको बढ़ाकर नवंबर तक किया है। मैं मोदी सरकार जी और मोदी जी का खासकर बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पूरे देश के जो ये कोरोना हालात है उनको देखते हुए गरीबों की जो आवाज़ थी उसको पूरा किया, उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा किया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। जिया पंचायत रानोट गाँव में आए हैं और इस महामारी के दौर में ये जो लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन में ये रानोट और जिया के लोगों ने बहुत साथ दिया, इन्होंने इसका लॉकडाउन का पालन किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देने आया हूं और आगे भी इनसे निवेदन है कि दूरी बना के रखें, मास्क पहन के चलें और काम हो तो तभी बाहर जा निकले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। 5 साल पहले बने हंजन मोहल्ला से लेकर दारी